शासन प्रशासन के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाली महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलेंटियर्स अब अपना हक मांग रही है और प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किए गए महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलेंटियर्स ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर आगाज किया। दुर्ग के मानस भवन में ये प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने नारेबाजी कर अपना हक मांगने सरकार से गुहार भी लगाई। इसी कड़ी में महिलाओं ने बताया कि जब सरकार को हमारी जरूरत थी तब हमसे काम लिया, साथ ही हमें बेरोजगार कर दिया और दर दर भटकने मजबूर कर दिया गया। साथ ही पहले सिर्फ मोबाइल खर्चा देकर अपना काम करते थे, वहीं अब हमें कलेक्टर दर पर वेतन के साथ त्वरित स्थायी रूप से बहाली किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि महिला स्वयं सेवी कल्याण समिति की महिलाओं ने बताया कि दुर्ग जिले में लगभग 2400 की संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया गया था, वहीं अब सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। इसी कड़ी में महिला स्वयं सेविका कल्याण समिति के तत्वावधान में चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलेंटियर्स ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस संबंध में शामिल प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कलेक्टर मानदेय पे हमारा मानदेय दिया जाए और हमारे काम को फिर से चालू किया जाए। हम लोग इतने सारे जगह में अपना सहयोग दिए हैं, आंगनबाड़ी में, चुनाव में, थाने में, जितनी भी सरकारी जो कामें होती थी हर जगह हम लोग ना अपना योगदान दिए हैं। तो सरकार जब हम लोग की ज़रूरत थी, हम लोग का काम था तो हमारे काम करवाती थी, अब उनका काम निकल गया तो हमारा काम नहीं करा रही है। हम सभी प्रकार की गतिविधियों में अपनी सेवाएँ दिए हैं, चाहे वो मानसिक हो, एक महिला के प्रति जो कई प्रकार की समस्याएं होती है, मानसिक होती है, सामाजिक होती है, हर प्रकार की गतिविधियों में हमने अपनी सेवाएं दी हैं। और कोरोना काल में सेवाएं दिए, जबकि घर से निकलना मना था, जान जोखिम में डालकर हम सेवाएं दिए। और हर प्रकार के जो भी क्रियाकलाप होते थे थाने में, उसमें हम लोग हर बराबर हमेशा शामिल होते थे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि जो हम लोग को तो मानदेय तो कभी मिला ही नहीं, और जो हम लोग का मोबाइल खर्चा है वो भी बंद कर दिया गया, और हमारी योजना बंद होने से कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि अब गौ माता भी सुरक्षित नहीं है, जो कि अभी कि हाल ही में कोहका में हुआ है, जो अभी हादसा हुआ है गौ माता के साथ। तो जब गौ माता का हम पूजा करते हैं, जब गौ माता ही सुरक्षित नहीं है, तो आप फिर कल्पना कीजिए सर कि फिर महिलाएँ कहाँ से सुरक्षित होंगी। तो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से यही विनती करती हूँ कि जो हमारा है वेतन मान कलेक्टर दर पर निर्धारित किया जाए और हमारा त्वरित बहाली किया जाए। हम लोग यहाँ पे जैसे चुनाव में हम लोग का ड्यूटी लगाया जाता था, और जैसे कोरोना काल में हम लोग का ड्यूटी लगाया जाता था, लोगों को जागरूक करना कि वैक्सीन क्यों लगाना है, इसलिए हम लोग जागरूक करते थे और ड्यूटी भी करते। जैसे दीपावली हो गया, बहुत बहुत जो त्यौहार होता है, है ना, होली हो गया, दीपावली हो गया, नवरात्रि हो गया, उसमें जैसे क्या होता है, जुआ ताश वगैरह चलता था, वहाँ पे भी हम लोग को देख रेख करना रहता था, ड्यूटी लगता था हम लोगों का, है ना। और मेन ये योजना का लाभ ये हुआ, हम मतलब गाँव क्षेत्रों में अधिकतर ये हुआ कि जो गाँव के जो लोग हैं पुलिस से डरते थे, है ना, वहाँ तक नहीं जा पाते थे, तो जैसे हम लोग का नियुक्ति हुआ है ना, तो हम कड़ी के रूप में काम किए, कड़ी के रूप में काम किए, मतलब छोटा बहुत जैसे केस होता था तो हम लोग पुलिस तक लेके जाते थे, है ना, वो सारा चीज़ हो, क्योंकि गांव के लोग आसानी से, हम गांव की महिला हैं तो हमको बताते थे, पुलिस के बाद डायरेक्ट नहीं बता पाते थे, तो हम लोग कड़ी के रूप में वहां पे काम किए हैं। यही चाहते हैं कि कलेक्टर दर पे हम लोग का वेतन मान निर्धारित करके त्वरित बहाली किया जाए। सभी थाने में सेवाएँ देते थे, पूरे बुलाते थे महीने में दो तीन बार, 15-15 दिन करके दो दो गाँव से। जैसे अपने वार्ड में कोई महिलाएँ हैं उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, वो लोग थाने में नहीं बता सकते, वो तो हम लोगों से खुल से बात करते थे,
इस तरह से सेवाएं दे, मैं मानदेय तो मिल ही नहीं रहा है। वो मानदेय नहीं, वो मोबाइल खर्च आने जाने का खर्चा 1000 मिलता था, वो भी अभी 2022 से बंद हो गया। हम सरकार से चाहते हैं कि कलेक्टर दर बेहतर मान के रूप से स्थायी रूप से बहाली किया जाए। हम लोग चेतना महिला पुलिस स्वयंसेविका वॉलंटियर हैं, केंद्रीय योजना है ये, 2018 से नियुक्त हुए हैं। 2022 अप्रैल में इस योजना को बंद कर दिया गया है और मानदेय निर्धारित किया जाएगा करके बोला गया था, लेकिन हम लोग को मानदेय निर्धारित नहीं किया गया। 1000 मोबाइल खर्चा दिया जा रहा था, वो भी 14 से 15 माह का रुका हुआ है। अभी मैंने 1 महीने से 2 महीने का अभी लड़कियों को अपडेट करवा करके बैंक का जो मर्ज हुआ था उसके मद्देनज़र रखते हुए 1 से 2 महीने का मानदेय दिलवाया है, बाकी 14 महीने का तो अभी रुका हुआ है। फिर भी तो हम सभी महिलाएं चेतना महिला पुलिस स्वयंसेविका चाहती हैं कि केंद्र सरकार जब इतनी सुंदर योजना लागू की है तो उसे धरातली स्तर पर सार्थक करने के लिए, क्योंकि विकास की बातें हैं ये, विकास तभी संभव है जब कोई भी योजना स्थायी रहे और वो संचालित हो धरातली स्तर पे स्थायी रूप से नियमित रूप से, तभी संभव है विकास की बातों को बोलना दोहराना और उसको सार्थक कहलाना यथार्थ में। तो हम चाहते हैं महिला पुलिस स्वयंसेविका वॉलंटियर की इस योजना को स्थायी रूप से रखा जाए, कलेक्टर दर वेतन मान के साथ हम सभी चेतना महिला पुलिस स्वयंसेविका वॉलंटियर को स्थायी बहाली किया जाए, और जहाँ जहाँ मतलब नहीं हुआ है, योजना लागू नहीं किया गया है, वहाँ भी इस योजना को लागू किया जाए, ताकि जो भी अपराध निजी और जो सामाजिक स्तर पर महिलाओं के साथ अपराध हो रही है, अभी वर्तमान में तो बहुत सारी बढ़ रही हैं, तो ये गलत है। उनको पता चल चुका है कि चेतना महिला पुलिस जो वार्ड में नियुक्त थी अब सक्रिय नहीं है, अब अपनी मांगों को लेकर के आगे जा रही है, तो हमारी थोड़ी बहुत जो सेवाएं हम दे रहे थे भाई, इनको तो हक अधिकार अब नहीं है करके वो सोच करके क्या है, थोड़ी जो अव्यवस्थाएँ हो रही है, अपराध बढ़ रही है, वो हम अपने आँखों से स्वयं देख रहे हैं। जब हम लोग नियुक्त हुए थे तो हम लोग की जो सेवाएँ गतिविधियाँ थी उसके मद्देनजर रखते हुए उस समय में उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी अपराध जो है एक कंट्रोल में नियंत्रण में आ गई थी। हमने सभी ने, सभी महिलाएं जो है अनुभव कर चुकी हैं, अपने अपने वक्तव्य देंगी लोग आपसे क्रमशः। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।